es una y es lo que el corazón pide. हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी अगेन. सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्वेलरी हॉल. जी हाँ, आज मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे ब्राइडल सेट्स परचेज किए हैं अमेजोन से. थॉट कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक हॉल वीडियो. प्लस बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के ये ज्वेलरीज हैं, क्योंकि आप मुझे कहते हैं इंस्टाग्राम में DM करके कि मैं ज्वेलरीज शेयर करूँ आपके साथ. सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे, ये है कैरेट कार्ट का बॉक्स. ठीक है, तो इसमें मुझे एक ज्वेलरी सेट रिसीव हुआ है, तो लेट्स सी कैसा है. पर मुझे इतना नहीं आता ज्वेलरीज के बारे में बताना, सो मैं बस ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से आपको रिव्यू दे सकूँ. सो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पैक करके भेजा है अमेज़ॉन ने. एंड ये बहुत ही हैवी ज्वेलरी है. मुझे सबसे अच्छी खास बात इस ज्वेलरी की ये लगी कि ये कुंदन डिज़ाइन में है, और ये ब्राइडल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सेट है गाइस. देखो, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप ज़रूर ट्राई करना ये वाला सेट. सी कितना प्यारा लग रहा है, वाओ. इसको आप मतलब अगर कुछ वैसा ट्यूब काइंड ऑफ ड्रेस पहन रहे हैं, लाइक एंगेजमेंट हो रही है आपकी, तब भी आप ये वाला सेट वेयर कर सकते हैं. ब्राइडल्स में भी अगर आपका बहुत ही ज़्यादा डीप नेक है, तब आप इस ज्वेलरी को वेयर कर सकते हैं. इसमें पूरा ही आप देखो कुंदन का काम किया हुआ है और पर्ल का काम है. तो ये जो इसमें पर्ल बीड्स लगे हुए हैं, बस इसी की वजह से ये और ज़्यादा इतना ग्रेसफुल लग रहा है. आप ये देख सकते हो इस तरह से है. ठीक है, और इसको आपको ऐसे करके डालना है और यहाँ से आपको बंद कर देना है. पहले ऐसा लगा कि ये सारे ईयरिंग्स है, क्योंकि मेरे पास सिमिलर ईयरिंग्स ऐसे ही पड़े हुए हैं जो कि मैंने ऑब्वियसली अमेज़ॉन से परचेज किया था. तो नेक्स्ट सेट भी देखो आप, मैं उसके साथ भी इसको मैच कर सकती हूँ, बट अभी मेरे पास इसका पूरा सेट ही है. इसके साथ आपको मांग टीका रिसीव नहीं होगा, जस्ट नेक पीस होगा और दो कान के होंगे. ठीक है, तो ये बहुत ही लाइट वेट है. दिखने में लग रहा है ना आपको कि कितना हैवी होगा बाई गॉड, बट ये उतना हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है. आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं वेडिंग फंक्शन में, और ब्राइडल भी इसको ईजिली कैरी कर सकती है. ठीक है, तो मैं आपको इसे पहन के दिखाती हूँ. अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत है. ये देखो, अगर आप इतना नेक वाला ब्लाउज पहनेंगे तो ये कितना खूबसूरत लुक देगा. सच में बेहद खूबसूरत है. तो ये पहन के ही मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ. ठीक है, मतलब जस्ट इसी का रिव्यू दूंगी. ठीक, और ये रहा इसके कान का. कान का भी सिमिलर है, जैसे आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिख रहे हैं ना, उसी तरह का कान का है. प्यारा है कान का भी. और ये पूरा सेट आप लगाओगे ना ऐसे, और ऊपर से मांग टीका भी इसी के मैचिंग का हो, तो बात ही अलग होती है. ये जो इस तरह के लेयर्ड वाले ईयरिंग्स होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, एंड मेरे फेस पे भी सूट करते हैं, है ना. तो आप देख सकते हैं इसका नेक पीस में भी पूरा लेयरिंग का काम किया हुआ है. वो वैसा नीला सा पड़ जाता है ना कोई हम मेटल यूज़ करते हैं तो, बट उस तरह का ये बिल्कुल भी नहीं करेगा. और बहुत ही लाइट वेट है, मैं बेयरली आई कैन फील एनी थी. मुझे लग भी नहीं था कि मैंने इतना ज़्यादा ज्वेलरी पहना हुआ है अपने नेक पे, कान पे. एंड दिस इज सच अ स्टनिंग पेयर गाइस. तो ये तो हो गई ज्वेलरी की बात. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे बैंगल्स भी हैं जो कि मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया है अमेजोन से. सो ये है गाइस ब्रास एलो में. देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लिटरी सिल्वर बैंगल्स हैं ये, और यहाँ पे गोल्ड वाले कड़े भी दिए हुए हैं जिसके साथ आपको लटकन रिसीव होगा. इस तरह से झुमका लटकन दिए हुए हैं, ये बहुत ही शिमरी शिमरी है. स्पेशली मुझे इस टाइप की ज्वेलरीज के साथ पैरअप करना बहुत पसंद है, क्योंकि ये भी वाइट एंड गोल्ड कलर में है, और ये भी मैंने जो दिया है ये भी सिल्वर एंड गोल्ड है. लाइक बहुत ही स्टर्डी है गाइस. देखिए, एक हाथ में मैंने पहना हुआ है, और आवाज़ ही सुन रहे होंगे इसमें से, बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है ये घुंघरू की. ये 2.4 इंचेस की हैं, तो आपको वहाँ पे साइजेस मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चेकआउट करना. परफेक्ट फिट है, देखो ना ही ज़्यादा टाइट हो रहे हैं ना ही ज़्यादा लूज हो रहे हैं. मतलब बहुत ही अच्छे बैंगल्स लगे मुझे ये, और आपको इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे, आप ज़रूर चेकआउट करना. और ये थोड़े से वैसे लड़कियों वाले कलर्स होते हैं ना, उस तरह के बैंगल्स हैं, मतलब लड़कियाँ भी पहन सकती हैं इसको सूट वूट के साथ. स्पेशली अगर आप वाइट सूट पहन रहे हैं, तब उसके साथ आप इन बैंगल्स को पेयरअप कर सकते हो. सो नेक्स्ट है गाइस मेरे पास यहाँ पे सेयोनी ब्रांड का, और ये है चोकर में. देखिए मैं आपको दिखाती हूँ.
ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा जब मैंने देखा अमेजोन में, आई वॉज लाइक कि चलो यार फटाफट इसको भी ग्रैब कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर चोकर सेट है, आप इसको सूट्स के साथ पहन सकते हैं, साड़ीज के साथ पहन सकते हैं, इनफैक्ट आप लहंगा के साथ भी इसे पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। इसके जो आप बीड्स देखेंगे, देखिए बहुत ही प्यारे बीड्स हैं, नेक डालने के लिए थोड़ा छोटा है बट अदरवाइज बहुत सुंदर है ये। अब इसमें भी आपको ये एक नेक पीस मिलेगा और दो इयररिंग सेट मिलेंगे। बहुत ही लाइट वेट है, अगेन इसके इयररिंग और जो इसका नेक पीस भी है बहुत लाइट वेट है। मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ। एंड इसका जो मेटल है दैट इज एलॉय, तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि इची सा हो रहा है या इरिटेशन सी हो रही है मुझे इसे पहनने के बाद। नेक्स्ट है गाइस मेरे पास यहाँ पे ये प्योरा का चोकर कुंदन सेट और ये ब्लैक पर्ल्स में है, ब्लैक बीड्स में। ये अगर आपको ज़्यादा हैवी ज्वेलरी कैरी करना पसंद नहीं है तो आप इस तरह के ले सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा राउंड इफेक्ट देगा आपके नेक पे। और अगेन ये भी गोल्डन में है ना, गोल्डन एंड या बीड्स में है, ये वाइट बीड्स हैं इसमें। इसका हम नेक का देखते हैं कितना बड़ा कितना छोटू है, मतलब मुंडी अंदर जा पाएगी या नहीं, इसमें चली जाएगी। देखो ये फिर भी काफ़ी है, ईजिली चला गया है। दोस्तों सुंदर लगेगा जब आप साड़ी पहनेंगे, साड़ी के साथ इस तरह के चोकर सेट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैच करना। दिस इज अ कम्प्लीट सेट, आपको इसमें दो इयररिंग मिलेंगे और मांग टीका भी। बहुत सिंपल इयररिंग है पर इस तरह से है, ये देखिए बहुत सुंदर लगेगा। मैं ये पहनती हूँ और आपको मांग टीका भी दिखाती हूँ। तो ना दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है आई ज्वेल की इयररिंग, तो कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है मुझे, देखो छोटे से बॉक्स में। और ये अगेन चंद वाली इयररिंग है, ये मैंने ब्लैक में मंगवाया है, बहुत ही सुंदर इयररिंग है गाइस। मुझे मैंने कहा ना कि मुझे इस तरह के इयररिंग बहुत पसंद आते हैं और इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिलेंगे। ये मेटल एंड पर्ल में है, देखिए पर्ल जो इसका बीड्स है इसमें आपको ब्लैक, मैंने ब्लैक में मंगवाया, वैसे वहाँ पे आपको बहुत सारे कलर रेंजेस मिल जाएंगे पर ये भी बहुत अफोर्डेबल में है। इसके साथ आप यू नो चूड़ी मैच कर सकते हैं, मैंने बैंगल्स भी लिया है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, पर मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, मतलब पूरा सेट में पहन के दिखाऊंगी जो मैंने लिया है, ये और बैंगल्स। ये देखिए ये बैंगल्स हैं और ये वेलवेट में है, ये सनारा करके है, तो ये सनारा वेलवेट बैंगल्स हैं और इसमें भी आपको बहुत से कलर रेंजेस मिल जाएंगे। मुझे ये इतना खूबसूरत लगा ना, मतलब ब्लैक तो हमेशा से ही मेरा फेवरेट है, चाहे कपड़े हो चाहे ज्वेलरीज में हो या किसी भी चीज़ में। ये देखिए मैंने खोल लिया है, ओ माई गॉड दीज आर सो प्रिटी और इतने सॉफ्ट बैंगल्स है गाइस। इसका मुझे ये कड़ा इतना सुंदर लगा ना, बेहद ही खूबसूरत है देखो, और इसमें ये पूरा ही बीड्स का काम किया हुआ है। और ये जो साइज़ मैंने मंगाया है दिस इज़ 2.6 इंच का, आई थिंक 2.6 या 2.4 है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टोटल चार इस तरह के बैंगल्स मिलेंगे, ठीक है, और बाकी ये आप देख सकते हैं वेलवेट में है पूरा एंड बहुत ही सॉफ्ट वेलवेट है। लेट मी वेयर दिस, और ये ब्रास में है, इट्स अ कम्प्लीट ब्रास वेलवेट। तो मैं अब आपको ये कम्प्लीट सेट पहन कर दिखाती हूँ, इयररिंग्स और ये बैंगल्स। गाइस तो अब यहाँ पे मेरे लास्ट प्रोडक्ट बचा है जो कि अगेन आई ज्वेल का है और ये बहुत ही सुंदर लॉन्ग इयररिंग है। ये देखिए ये है इंट्रिकेटली डिजाइंड ग्रे कलर में इयररिंग और ये लॉन्ग इयररिंग है, बेहद खूबसूरत है। ओ माय गॉड दीज आर सो गॉर्जियस, एनिमल ग्लाइडेड प्लस ये कुंदन और पर्ल का काम किया हुआ है। इसमें जो बीड्स आप देख रहे हैं नीचे बहुत सुंदर हैं, ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन दिया है बीड्स में, तो लेट्स ट्राई दिस कैसा लगता है मेरे ऊपर। I
अगर आपको मेरी ज्वेलरी हॉल वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप और भी ज्वेलरी हॉल वीडियो देखना चाहते हैं या किस तरह के हॉल वीडियोस देखना चाहते हैं। एंड आज की जो रिव्यू वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल गाइस, घंटी ज़रूर दबा देना ताकि आप नोटिफाई हो जाएगी जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, सबसे पहले मतलब आपके पास पहुँच जाए और आप पट से खोल के देख लो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।